क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने मल्टीपल आइडिया बनाई हुई हैं और किसी कारण से आप एक ही कंपनी की आईडी यूज करते हैं, दूसरी कंपनी की आईडी यूज नहीं कर रहे थे? कारण कुछ भी हो सकता है, कारण कमीशन हो सकता है, कंपनी से कोई शिकायत हो सकती है, या फिर आपके कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है जिसके कारण आपने उस कंपनी की आईडी को यूज ना किया हो। तो जब आप 6 महीने या उससे ज्यादा कोई आईडी यूज नहीं करते हैं तो कंपनी का सर्वर ऑटोमेटिकली उनको डीएक्टिवेट कर देता है। कारण सिर्फ यही होता है कि आपने 6 महीने में कोई भी प्रकार का लेन देन उन आईडियों से नहीं किया है। इसी क्रम में यदि मान लीजिए आपने कभी रॉयनेट की आईडी ली थी, आप कभी काम करते थे और अब आपने काम उसमें छोड़ दिया था, 6 महीने से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करे हैं और दोबारा आप रॉयनेट के साथ काम करना चाहते हैं और अगर आपकी आईडी डीएक्टिवेट है तो कैसे हम उसको एक्टिवेट करेंगे, वो सारा प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों, आपको सिंपल इतना करना है कि यदि आप रॉयनेट के रिटेलर हैं और आपकी आईडी अगर बंद है तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर या आरएम या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका भी कॉन्टेक्ट आपके पास है, कोशिश आप ये करिए कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ही पहले बात करिए, तो उनको आपको अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, ये आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना है। और एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा भेजना है जिसको हम एक्चुअली फोटोग्राफ यहाँ पर बोलेंगे कि एक फोटोग्राफ आपको भेजनी है जिसमें कि आप एक हाथ में पैन कार्ड और एक हाथ में आधार कार्ड लेके खड़े रहेंगे और आपकी फोटो किसी से आप खिंचवा लीजिएगा, वो आपको यहाँ पर भेजना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपसे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं वो तो केवाईसी के पर्पस से हैं, वो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट की फोटो इसलिए मांगी जा रही है ताकि ये क्लियर हो जाए कि जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट हैं वही व्यक्ति आईडी को एक्टिवेट करा रहा है। कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे केस भी सामने आए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति को मिल गए, आपकी जानकारी में ही नहीं थे, उसने आईडी बनवा ली, उसका यूज भी कर रहा था, मिसयूज भी कर रहा था, फिर बाद में उसने उसका उपयोग नहीं किया, लंबे समय से वो बंद थी। तो यदि अब अपन को वो आईडी चालू करना है तो जिस व्यक्ति के वो डॉक्यूमेंट है उसके साथ यदि वो फोटो खींच के आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अपनी सहमति से वो डॉक्यूमेंट दे रहा है और फिर उसके बाद आपकी आईडी 24 घंटे में चालू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूटर को क्लियर फॉर्मेट में कलर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक होगी, दूसरा आपकी दुकान, घर या कहीं पर भी आप खड़े होके, प्लेन बैकग्राउंड पे भी खड़े हो सकते हैं अगर आप दुकान नहीं है, घर से काम कर रहे हैं, तो एक हाथ में अपना पैन कार्ड, एक हाथ में आधार कार्ड ले लें जिसमें वो क्लियर दिखाई दे, ऐसा ना हो कि दिखाई ही ना दे कि वो आधार कार्ड किसका है, पैन कार्ड किसका है। तो ऐसी क्लियर फोटो लेके आप भेज दीजिएगा और रिटेलर आईडी मेंशन कर दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर कंपनी के द्वारा आपकी आईडी रीएक्टिवेट की जाएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप ऑल ओवर इंडिया में रॉयनेट की रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रॉयनेट का VM30 ATM लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, केवल उसमें आप व्हाट्सअप ही करिएगा, कॉलिंग मत करिएगा क्योंकि एक साथ इतने सारे कॉल को रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद। అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటావా ఫైరా?